भी आएंगे, हालांकि आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन एक समाज के नाते जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी निश्चित तौर पर मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा। एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी गोविंद भैया कह रहे थे ऐसे बहुत से नेता सागर से जाएंगे और कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज का नाम लेकर ही राजनीति करते हैं केवल, लेकिन जब समाज को देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। आप लोग रामू भाई, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर हमारी समाज का जब धन प्रसाद अहिरवार को जिंदा जलाया जाता है तो ऐसे जो लोग जो समाज की राजनीति करते हैं धन प्रसाद के साथ खड़े नहीं होते। उसकी विधवा को यदि नौकरी मिल जाए इसके लिए खड़े नहीं होते, उसको यदि कोई सास की सहायता मिल जाए तो उसके लिए खड़े नहीं होते। ऐसे कई सुरेंद्र चौधरी तो यहां से नरेयाव जी से दो तीन बार हार गए, लेकिन वो जाएंगे सुर्खी का ठेका लेने। अभी मैंने सुना है कि वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास गए थे और सुर्खी विधानसभा का और अहरवा समाज का ठेका लेकर आ गए। जो चुनाव आता है तो समाज के बड़े मीत बन जाते हैं और चुनाव जीते हैं तो अपने खुदा बन जाते हैं। अब भी ऐसे कांग्रेस के लोग सुर्खी में आएंगे तो सुर्खी में कहना भैया तुम अपने क्षेत्र से चार बार हार चुके हो दद्दा, सुर्खी में तुम कौन सा मोहन लेके घूम रहे हो, ऐसा पूछना। क्योंकि सुर्खी में बहुत से नेता आएंगे, हर समाज के नेता आएंगे, उनसे पूछना कि तुम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जीत पाए, तुम्हारे क्षेत्र के अहिरवार के समाज के लोगों ने तुम्हें क्यों हरा दिया और क्यों प्रदीप लालिया को जिताया। क्योंकि प्रदीप लालिया जी के बारे में हम सुनते हैं बहुत ही मृदुभाषी हैं, लोगों के काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दो पैसे खाने का आरोप नहीं है। ऐसे लोगों के लिए समाज जिताती और समाज मान सम्मान देती। इसलिए हमने कहा कि बहरूपिया घूम रहे हैं, पूरी सुर्खी में बहरूपिया घूमेंगे। ये उपचुनाव है, चुनाव नहीं है, उपचुनाव मतलब पूरे सागर संभागना के लिए चुनाव आने सुर्खी। तो सब रिश्तेदार नातेदार सब हमेशा कहते हैं तुम्हारे गांव में आए, घर घर में तुम्हारी हम कह रहे हैं हमारी भाई हरे भाभी हरे भौजी जी जी हरे मर जाए पूरी बना कर तो परे ही है जेहन, आप परे रहे हैं जेहन है सुन सको दत्ता या तो जाओ ऊपर हो तो ऊपर रहो। प्रदेश की आवाज बनाने वाले प्रदेश के उपाध्यक्ष और नरेयाव विधानसभा के विधायक प्रदीप लालिया जी, पूर्व मंत्री रघुवंश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, अंश जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम ढेगरा जी कर रही है। आप क्या मानते हैं कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, भारतीय जनता पार्टी से गोविंद राजपूत प्रत्याशी हैं, आप क्या मानते हैं सुर्खी? देखिए कांग्रेस का तो बंटा ढार है, कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल देखिए, मध्य प्रदेश में उन्हें लोग बंटा ढार कहते हैं, कमलनाथ का 15 साल में जनता का एक उन्होंने काम नहीं किया, जो वादे किए थे जनता से एक काम नहीं किया। ऊपर का नेतृत्व आप देख ही रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों रिजेक्ट हैं, कुल मिलाकर कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस में बिखराव है। इस समय मध्य प्रदेश की और देश की जनता केवल भारतीय जनता पार्टी को आशा भरी नज़रों से देख रही है और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह। अभी मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, आपको आगे समय रहते कोई पद मिलेगा कैबिनेट मंत्री का? मैं कोई पद की चाह रहकर काम नहीं करता हूँ, बस हमारे क्षेत्र का विकास हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, उसके लिए।